नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा आपके साथ। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बलिया में निजी चैनल के डिबेट में भिड़े सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं की। एटा में सीमेंट कारोबारी के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग की। और कानपुर में पुलिस के द्वारा किए गए एक बड़ी हत्या के खुलासे की तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर बलिया से है जहाँ एक न्यूज चैनल की डिबेट में मारपीट हो गई। बीजेपी और सपा के समर्थकों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। डिबेट में एक कार्यकर्ता को सर में चोट लगी है। सर में चोट लगने से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने तत्परता से मामले को शांत कराया। घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। बलिया कोतवाली क्षेत्र के सतीश चंद्र कॉलेज ग्राउंड रोड में चुनावी डिबेट शो चल रहा था। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर एटा से जो नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता गुप्ता के 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। धुएं का गुबार उठते ही अफरा तफरी मच गई। भीषण आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, पुलिस और विद्युत विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पूरा मामला एटा थाना अलीगंज कस्बे का बताया जा रहा है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर झांसी से जहां ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल की पुण्यतिथि पर तहसील टहरोली कर्मचारी द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहां के एक निजी विवाह घर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ पत्रकारों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ग्रामीण पत्रकारों के हित में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार जगतपाल मिश्रा ने कहा कि पत्रकार जनता की आवाज बनते हैं, इसीलिए उन्हें पारदर्शी तरीके से जमीनी समस्याओं को उठाना चाहिए। तहसील अध्यक्ष रिंकू दीक्षित ने कहा कि पत्रकार जोखिम उठाकर कार्य करता है, वे पत्रकारों के हित में हमेशा कार्य करते रहेंगे। आज तेहोली तहसील पर सभी पत्रकार साथी इकट्ठे हुए, किस स्तर पर लेकर हुए हैं आप लोग? आज जो है हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक बाबू बालेश्वर जी की पुण्यतिथि है, उनको हम मनाने के लिए सब लोग एकत्रित हुए, जिन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र का एक पत्रकार है जो गांव में काम करता है, लोगों की जन समस्याएं लेकर के अधिकारियों तक पहुंचाता है, उनका निदान कराता है, तो बाबूजी ने एक प्लेटफॉर्म दिया और पूरे प्रदेश स्तर पर ये संगठन चल रहा है। तो हम सब लोग आज उनको नमन करते हैं और सभी साथी ये प्रयास करते हैं कि जो गांव का एक गरीब आदमी है जिसकी कोई जुबान नहीं है, उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए ये संगठन बना हुआ है। आज किस कार्यक्रम को लेकर इकट्ठे हुए हैं आप लोग? आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जो संस्थापक थे बालेश्वर जी बाबू जी, उन्होंने ग्रामीण पत्रकारों को जो प्लेटफार्म दिया, ऐसा प्लेटफार्म दिया संगठन के लिए कि ग्रामीण पत्रकारों की कोई अहमियत नहीं थी। शहरी पत्रकारों का अलग वो था, जबकि ग्रामीण पत्रकार अधिक मेहनत करता है क्योंकि वो जनता से जुड़ा व्यक्ति है, हर गरीब से जुड़ा व्यक्ति है और हर गरीब की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की योजनाओं को गरीब तक पहुंचाता है। इसलिए इन्होंने जो संगठन दिया है वो संगठन इसके लिए दिया है कि संगठन में शक्ति होती है और संगठन बना के चलना चाहिए, जिससे आज क्या है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है और अगर संगठित रहेंगे सभी पत्रकार बंधु तो निश्चित तौर पर हम लोग अच्छी दिशा में काम कर पाएंगे और गरीब आदमियों को कानून व्यवस्था का लाभ दिला पाएंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ दिला पाएंगे। इसी के साथ आज तहसील टहरोली के समस्त पत्रकार किस कार्यक्रम हेतु एकत्रित हुए हैं, कृपया बताएं। आज हम सभी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक बालेश्वर लाल जी की पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए हैं, मना रहे हैं, श्रद्धा से मना किए हैं। आज हम सभी पत्रकार भाइयों को एकजुट रहने की ज़रूरत है। जब एकजुट रहेंगे तभी हम समाज में गरीब कमज़ोर लोगों की आवाज़ बन सकेंगे। जब गरीब का कोई नहीं होता है, जिस कमज़ोर का कोई नहीं होता है, सत्ता भी उसका साथ नहीं देती है, सामाजिक लोग भी साथ नहीं देते हैं, तब उसका साथ पत्रकार ही दे सकता है। लेकिन हम तभी उसका साथ दे सकते हैं, तभी उसकी आवाज़ बन सकते हैं जब हम संगठित रहें। संगठन में ही शक्ति है, इसलिए हम सभी पत्रकार भाइयों से कहेंगे कि निश्चल मन से सभी लोग एक साथ एकजुटता के साथ गरीबों की मजलूमों की लड़ाई को लड़ें। सादर नमन। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट।
खबर कानपुर से, जो युवती के बयान से बिल्हौर थाने में प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। जी हां, एक अपराधी किस्म के शोहदे से युवती परेशान है। युवती के मुताबिक युवक ने बुरी नियत से युवती के साथ छेड़छाड़ भी की। युवती के साथ मारपीट के अलावा जान से मारने की धमकी भी थी। युवती ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। कार्यवाही के लिए बिल्हौर पहुंची युवती को पुलिस ने ही भड़का दिया। गांव पहुंचकर आरोपी के घर पर दावत भी उड़ाई, यानी कि पुलिस ने किसी भी तरीके से युवती की मदद नहीं की और उसे ही टरका दिया। पुलिस की मौजूदगी में आरोपी ने युवती को जान से मारने की धमकी तक दे दी। थाने की कार्यवाही से मायूस युवती कमिश्नर के द्वार पर पहुंची। कार्यवाही के नाम पर पुलिस अभी तू चल मैं आया वाली मुद्रा में है। गंभीर आरोपों के बावजूद पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं है, जिसके बाद पुलिस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि क्या कोई राजनीतिक दबाव है या फिर खुद का मैनेजमेंट ही ऐसा है। बिल्हौर थाना क्षेत्र के देवरा सराय की ये पूरी घटना है। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं घर पे अकेली थी, क्योंकि एक पड़ोसी वहां दिवाकर था, वो मेरे घर पे घुसाया था। उनके नशे में दरवाजे दोनों बंद करके मुझे उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की और उसने मुझे बहुत मारा। मैं अपनी जान बचा के मैं भागी, ठीक है। मोहल्ले वालों को मैंने धमा किया, उन लोगों ने मेरी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कैसे करके मैं भागी। मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, मैं वहाँ से कपड़े मैंने चेंज किए, फिर मैं बिल्हौर थाने में आई। पूरे दिन मतलब मैं बैठी रही, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद में कोई सुनवाई नहीं, तब बिल्हौर थाने से पुलिस गई राहुल के घर। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मतलब वो लोग दावत खा रहे थे, मतलब उन लोगों के पास गए राहुल के पास और वहाँ दावत खा रहे थे, मतलब नशा वशा सब कुछ कर रहे थे। और राहुल ने बोला कि अगर मेरे खिलाफ़ तुमने कोई भी कंप्लेन की तो तुम्हारी माँ को तुमको मार देंगे। और पुलिस वालों ने भी धमकी हमको दी कि अगर तुमने इस खिलाफ़ कुछ भी कहा, तुम्हारी पढ़ने वाली उम्र है, तुम ये काम नहीं कर सकती हो, ठीक है। तुम पढ़ने वाली बच्ची हो, तुम पढ़ो, गलत मत किसी मतलब ऐसे बोला हमसे, गलत बहुत बोल रहे थे। तो मैंने मतलब मैं बहुत परेशान हो गई, मैं धूप में इतनी बिल्हौर थाने में बार बार आते जाते मतलब परेशान, मैं अकेली थी, मेरे घर पे कोई नहीं था। मेरी माँ को भी धमकाता था, वो बोलता था अगर तुमने अपनी लड़की के खिलाफ मतलब कुछ भी मेरे खिलाफ बोला तो तुम्हें तुम्हारी लड़की को मार देंगे जान से, क्योंकि मेरे पिता नहीं है ना मेरा भाई है, मेरे पिता खत्म हो चुके हैं, उनको 15 वर्ष हो गया है। और इसके बाद में मैं CO साहब के पास पेश हूँ, मतलब उन्होंने भी मतलब कोई मेरी मतलब कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद में मैं कानपुर गई कार्यालय, फिर वहाँ पे भी किया, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं। फिर मैं अपनी बड़ी माँ को लेके बिल्हौर थाने में आई, मतलब तो यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुझे आज मेरी खतरा मतलब मुझे जान का खतरा, वो मुझे मार धमकी देता है कि तुमको मार देंगे, तुम्हारी माँ को मार देंगे अगर तुमने मेरे खिलाफ, तुम्हारी माँ ने और तुमने अगर कोई साजिश की तो तुम दोनों को मार देंगे। तो आप जैसे आज आपको बुलाया गया था क्या SCP कार्यालय, आप आई हैं? जी, मुझे मतलब बुलाया नहीं, मैंने मतलब मैं परेशान हूँ, मुझे वो धमकी देता है फ़ोन कर कर के, मतलब मेरे बड़ी मम्मी बड़े पापा पता नहीं कैसे पता चल गया उसका नंबर, मतलब सब कुछ फ़ोन करता है और परेशान करता है। और वहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी घर पे गया था धमकी देने हमको, हम लोगों को मुझे लेने गया था, मतलब मुझे अगवा करने गया था कि इसको ले आएंगे, इसको मार डालेंगे। अच्छा, ये घटना कब हुई आपके साथ? ये 24 को हुई थी सर। और आज तक अभी तक कोई मुकदमा कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई मेरी सुनी नहीं गई सर। अच्छा, तो पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस कुछ भी हमसे बोलती नहीं, कुछ भी उसी के तरह मतलब बिल्हौर थाने की, मतलब मुझे अगर कोई घटना होती तो बिल्हौर थाना ही मतलब समझे कि मतलब मुझे जान से मारने की अगर धमकी होती तो बिल्हौर थाना ही मतलब हम किसी को मतलब वो करेंगे। क्या करेंगे? कि बिल्हौर थाना मतलब जिम्मेदार होगा कि अगर मुझे कुछ होता है तो बिल्हौर थाना ही जिम्मेदार होगा। मतलब यहाँ से सुनवाई नहीं हो रही आपकी? जी सर। कौन है राहुल? ये राहुल मतलब पड़ोसी है। अच्छा जी, तो पुलिस ने से शिकायत की, पुलिस गई नहीं अभी तक गांव? नहीं, पुलिस गई थी, इसके घर भी गई थी और वहाँ मतलब गई तो वहाँ पे मतलब उसने दावत की, दारू वारू सब पिलाया, तो उन लोगों ने पुलिस वालों ने उसके सामने मतलब मुझे भी धमकी दी कि मतलब अगर तुमने इसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई की तो तुमको हम जान से मार देंगे। उसने राहुल ने भी हमसे यही बात कहा कि तुम्हें मार देंगे जान से, तुम्हारी माँ को भी मार देंगे। राहुल के पुलिस की मौजूदगी में राहुल ने धमकी दी। जी। कानपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद आफाक की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां 7 लाख लूटने के उद्देश्य से आरोपियों ने ईंट से चेहरे पर घातक प्रहार कर व गला घोटकर निर्मम हत्या की थी। पुलिस ने अभी इस हत्या का खुलासा कर दिया है। DCP वेस्ट ने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आखिर ये पूरा प्रकरण क्या था और पुलिस को कैसे सफलता मिली। आइए आपको सुनाते हैं। सचिंडी थाना अंतर्गत भैरमपुर में एक दूध डेयरी के जो कि मतलब चालू डेयरी नहीं है, ऐसे ही है, शुष्क डेयरी है,
तो उसमें एक चौकीदार के रूप में काम करता था ओमजी तिवारी, उसका उसकी हत्या हुई थी और हत्या के बाद उसके घर का सामान बिखरा था और एक कैंटर नुमा उसका रूम भी था, उसको भी ताला तोड़ करके सामान बिखरे हुए थे और मौके पर ईंट से मार करके और गला दबा करके उसका हत्या किया जाना पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पाया गया। उसका मोबाइल भी गायब था तो उसकी मोबाइल की जानकारी की गई तो सर्विलांस टीम के जरिए और पुलिस टीम के जरिए जो सूचना प्राप्त हुई तो पता चला कि उसका मोबाइल, मृतक का मोबाइल रनिया जा करके स्विच ऑफ हो गया था, बंद हो गया। तो जो लोग इसमें शामिल थे वो वहाँ तक मोबाइल ले गए और मोबाइल ले जाने के बाद उसको बंद कर लिए। मोबाइल की IMI रन कराई गई तो बहुत दिनों तक वो चला नहीं और एक दिन चला तो उसके बाद तुरंत बंद हो गया। इस और उसके बाद यह जो रोहित नाम है, रोहित पुत्र राजू जो अभियुक्त है, और वह जो है मोबाइल को बेचने के लिए चकरपुर ले आया था तो सर्विलांस टीम और मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया और उसका मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ। और बस ये लोग जो है लूट के इरादे से आए थे, इनको ये सूचना थी कि इसके पास 7 लाख रुपए हैं और इन्हें उम्मीद थी कि जाने पर रुपए मिल जाएंगे और इसी उद्देश्य से उसके कैंपस में ये पहले से दाखिल हुए और रुपए खोजे, पहले उसकी हत्या करके और उसको गला दबा के मार दिया और उसके बाद रुपए जो है उनको मिले नहीं, फिर इधर उधर खोजे और मोबाइल लेकर के चले गए। और जब ये मोबाइल पकड़ा गया तो अभियुक्त भी पकड़ा गया उसके साथ में और सारी चीज़ों का पर्दाफाश हुआ और जो आपके सामने है। अभी एक अभियुक्त अभियुक्त राम सेवक जो है उसकी गिरफ्तारी शेष है, उसके लिए पुलिस टीम लगी हुई है, शीघ्र ही उसका भी गिरफ्तारी की जाएगी। कानपुर से सीनियर संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।